बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि YouTube कितने व्यूज पर कितने पैसे देता है। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि कितने व्यूज पर YouTube कितने पैसे देता है, लेकिन वो लोग इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल सादा और सिंपल जबान में आपको ये बताऊंगा कि YouTube कितने व्यूज पर कितने पैसे आपको देता है। तो दोस्तों बेफिक्र होकर आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो खत्म होने तक आपको ये पता चल जाएगा कि YouTube कितने व्यूज पर कितने पैसे देता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि YouTube हमारी सैलरी फिक्स कर देता है, जिस तरह हमारी कोई किसी जगह नौकरी लग जाती है वो एक महीने बाद हमें तनख्वाह देते हैं, इस तरह YouTube भी हमें तनख्वाह देता है या नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ तफसील से बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम एक दूसरे से दोबारा मिल सके। दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि YouTube की वीडियोस पर एड चलती हैं, उन एड का YouTube हर यूट्यूबर को पैसे देता है। दोस्तों सबसे पहले आपने एक बात समझ लेनी है कि YouTube किस वजह से हमें पैसे देता है। YouTube हमें हमारे वीडियो पर एड चलाकर पैसे देता है। तो दोस्तों YouTube कितने व्यूज पर कितने पैसे देता है, इस बात को समझने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक कंटेंट कि YouTube की वीडियो किसके रिलेटेड है, किस चीज के रिलेटेड है, और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारी वीडियो पर एड चलेगा वो एड किस कंट्री का होगा, किस चीज का एड होगा। आपने ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि वीडियो किस चीज के रिलेटेड है और एड किस चीज के रिलेटेड। अगर आपकी वीडियो पर सस्ता एड चलेगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे, और अगर आपकी वीडियो पर एड महंगा चलेगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों सस्ते एड क्या होते हैं, जैसे कुकिंग के चैनल में चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक कुकिंग चैनल है, उस पर ये फूड पैंडा वाला एड चलता है, किसी शैम्पू का एड चल गया। ये जो जितने भी इस तरह के एड होते हैं फूड के रिलेटेड, ब्यूटी के रिलेटेड, ये एड जो होते हैं ये सस्ते एड होते हैं और इनके पैसे भी कम होते हैं। और दोस्तों आपको तो पता है, जैसे कि मेरी जो कैटेगरी है वो टेक की कैटेगरी है, मैं आपको YouTube सिखाता हूं और ऑनलाइन अर्निंग सिखाता हूं, तो इस कंटेंट पर जो ऐड चलते हैं ना वो महंगे ऐड चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की वीडियो पर महंगे ऐड चलते हैं, जैसे इजी पैसा का ऐड आ गया, जैस कैश का आ गया, और स्नैपचैट, हर किस्म के जो है ना इस तरह के मुख्तलिफ एड टेक की कैटेगरी में चलते हैं। दोस्तों अगर आपकी वीडियो का कंटेंट महंगा है तो आपकी वीडियो पर ऐड भी महंगे चलेंगे। अगर आपकी वीडियो का कंटेंट सस्ता है, जैसे फनी कंटेंट होगा, इस तरह के मुख्तलिफ जो कंटेंट होते हैं ना वो सस्ते होते हैं, उन पर सस्ते ऐड चलते हैं। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियो होती है उन पर यूट्यूब 1000 व्यूज पर $1 देता है, और जो सस्ती कैटेगरी है फनी चैनल वगैरह में YouTube आपको 10,000 में भी $1 दे सकता है, 5,000 पर भी $1 दे सकता है। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका कंटेंट किसके रिलेटेड है। तो दोस्तों अब मैं आपको सैलरी की बात बताता हूँ। जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी लगेगी, तो दोस्तों YouTube आपको कब पैसे देना शुरू करता है। YouTube का एक एल्गोरिथम है कि अगर आप लोग 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो YouTube आपका चैनल मोनेटाइज कर देता है, उसके बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक दिन में दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक वीडियो पर आपको 10,000 व्यूज आ जाते हैं और दूसरी वीडियो पर 100 व्यूज आते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना YouTube हमें 100 व्यूज पर क्या देगा। तो दोस्तों 24 घंटे के बाद आपका पूरा चैनल रिफ्रेश होता है, उस चैनल पर पूरे चैनल पर आपके जितने भी व्यूज हैं उन व्यूज के आपको YouTube 24 घंटे के बाद आपको उतने डॉलर देता है जितने वो बनते हैं उन एड्स के। इस तरह आपने सैलरी की बात ज़हन से निकाल देनी, क्या पता चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपकी एक महीने की सैलरी 1 लाख आती है, 2 लाख आती है, और अगले महीने आपकी सैलरी 40-50 हज़ार आ जाती है। अगर आपके व्यूज ज्यादा आएंगे तो आपकी सैलरी भी ज्यादा आएगी, व्यूज कम आएंगे तो सैलरी भी कम आएगी। तो दोस्तों आपको तो पता है कि हर वीडियो पर व्यूज एक जैसे नहीं होते, किसी वीडियो पर व्यूज कम होते हैं, किसी वीडियो पर व्यूज ज्यादा होते हैं। इस तरह आपके हर महीने की जो सैलरी होती है वो एक जैसी नहीं होती, क्या पता किसी एक महीने की सैलरी 40,000 आ जाए, क्या पता किसी की 2 लाख आ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको YouTube कितने व्यूज पर कितने पैसे देता है आपको ये सब भी पता चल चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम फ्यूचर में एक दूसरे से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।